मैं सायरा अफजल और हम लोग मीडिया जर्नलिज्म से हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज अल हिकमत फाउंडेशन विमेन विंग्स की तरफ से हमारे लिए एक विजिट अरेंज किया गया था और हम लोग यहाँ पर आए। और यहाँ का एनवायरनमेंट मैं आपको बताऊं, इतना स्वेट और इतना आउट क्लास किस्म के सफाई के इंतजाम बेहतरीन हैं। इसके अलावा यहाँ पर 91 बच्चे जो है ये वो उनकी कफालत कर रहे हैं, 3 बच्चों की कफालत कर रहे हैं। आप मेरे पीछे यहाँ देख भी सकते हैं कि जो फीमेल्स होंगी जिनके बच्चे वो जो बच्चे होंगे जो बच्चियाँ स्वेच थी उनके लिए भी अलग से सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ पर इंतजाम सफाई के खाने पीने के, जैसे मैंने हम लोग ने यहाँ पर किचन का विजिट किया तो उन्होंने कहा कि जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं सेम हमारे लिए हम बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं। और यहाँ पर स्पेशली उन लोगों के रमज़ान करीब आ रहे हैं, आप प्लीज़ अल हिकमत फाउंडेशन विमेंस विंग्स को यहाँ पर ज़रूर उनको डोनेशन दें। उनके अल हबीब में अकाउंट है, यहाँ पर स्क्रीन के नीचे मैंशन भी हो जाएगा। और थैंक यू सो मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम लोग शेखुपुरा के लिए निकल चुके हैं हिकमत फाउंडेशन की जानिब से। आगोश फाउंडेशन लाइक जो उनका आगोश स्कूल के नाम से यतीम बच्चों का स्कूल है, वहाँ के लिए एक ट्रिप का अरेंज किया गया था। हम लोग ये सब हमारे फैलोज मतलब के सब जर्नलिस्ट यहाँ हम लोग जा रहे हैं। ड्यू टू कोविड मैं टू वेरी ऑनेस्ट हम लोग बहुत प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने वीडियो बनाने की स्टूडेंट्स है मास्क थोड़ा सा नीचे किए, हैंड सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंस हमने रख रहे हैं। लेकिन जैसे ही शेखुपुरा पहुँच गए इंशाल्लाह आपके उन बच्चों के साथ ही इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। ऐसे बच्चे वाकई आप हम जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं ये बच्चे भी प्यार के मुस्तहिक होते हैं, ये हकदार होते हैं। ड्यू टू कोविड आपकी सब डेली बेसिस पे रूटीन चल रही थी, आपके खाने पीने शादियाँ हर चीज़ चल रहे होते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, वो थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन प्लीज़ ऐसे बच्चों को भी ज़रूर याद रखा करें, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो आप अपनी प्रोटेक्शन। बहुत सारे कलीग मौजूद हैं लेकिन वो सब अपने अपने यूट्यूब अपने फेसबुक पर लाइव हैं, सो मैं भी सोचा मैं भी थोड़ी सी एक वीडियो बना लेती हूँ। लाइक काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं थी ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेस पर कोई ना कोई वीडियो बना दिया करूँ, आप लोग के साथ टच में रहूँ। बाहर का व्यू दिखाते हैं हम लोग, मतलब के ये गाड़ियाँ लाहौर से हैं और ये ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वहाँ जाके मुलाकात होगी। और आप भी उन बच्चों को यदि कोई डोनेशन देना चाह रहे हैं कोई कुछ भी देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ दिल खोल कर आपने कंट्रीब्यूट किया करें। मेरे साथ मेरी बहुत सारी कलीग मौजूद हैं लेकिन वो सब अपने अपने यूट्यूब अपने फेसबुक पर लाइव हैं, सो मैं भी सोचा मैं भी थोड़ी सी एक वीडियो बना लेती हूँ। लाइक काफ़ी टाइम से मैं लाइव नहीं थी ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन इंशाल्लाह अब कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेस पे कोई ना कोई वीडियो बना दिया करूँ, आप लोग के साथ टच में रहूँ। बाहर का व्यू दिखाते हैं हम लोग, मतलब कि ये गाड़ियाँ लाहौर से हैं और ये ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके साथ वहाँ जाके मुलाकात होगी। और आप भी उन बच्चों को यदि कोई डोनेशन देना चाह रहे हैं कोई कुछ भी देना चाह रहे हैं तो प्लीज़ दिल खोल कर आपने कंट्रीब्यूट किया करें। तो खूबसूरत व्यू है, आप यकीन मैंने दिल खुश हो गया इसको दूर से देख के। हम लोग मोटर पर गई हैं, हम शेखुपुरा जा रहे हैं, हम डैम श्योर मतलब के वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे हम लोगों से, मतलब मैं तो सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ हम गिफ्ट हैम्पर्स लेके आएंगे, उनके लिए कैंडीज बिस्किट चॉकलेट एक्सेट्रा कुछ भी ठीक है। अच्छा ये आई थिंक ये कोई बाग वगैरह है, आई डोंट थिंक सो, ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने कहा आपको व्यू दिखा देती हूँ। अच्छा जी फाइनली हम लोग आई थिंक वाटर हैं या मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कभी इस तरह बाहर निकली नहीं हूँ ऐसे, वैसे तो मैं बहुत घूमती फिरती हूँ। ये पता नहीं ठोके न्यास भी लिखा हुआ था या आई नो क्या था, ये बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक चलना शुरू हो गई है, बड़ी बड़ी बसेस हैं और ठीक है। ये आप देखिए पूरे लाहौर का, मतलब कि पूरे तो नहीं कह सकते, हल थोड़ा थोड़ा आपको लाहौर का व्यू भी दिखा रही है, या आप देख सकते हैं। पर नहीं बैठ रही थी, पीछे बैठी हुई स्टूडेंट्स, तो यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और आई एम डैम श्योर हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ रहेंगे तो इंजॉय करेंगे। मुझे मैंने लाइफ में पहली बार शेखुपुरा जा रही हूँ सुना था शेखुपुरा के, लेकिन आज शेखुपुरा के। अब ये आई थिंक कोई कौन सी जगह मुझे नहीं पता, ये कोई खेत वगैरह हैं और टावर वगैरह हैं।
सब लोग मतलब के भी बैठ रहे हैं, अभी भी थोड़े थोड़े सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग प्रॉपर SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है, मास्क सबने पहने हुए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद अभी हम लोग ड्राइंग रूम में हैं, उसके बाद बच्चों से भी शिकायत हम लोग डाइनिंग सब यहाँ पर बैठे हुए। उसके बाद भी हम लोग ने जूस शूस लिए, उसके बाद हम लोग विज़िट करेंगे इनके ऑर्फन का, उसके बाद बच्चों के साथ मुलाकात होगी, उनके साथ भी लंच की मुलाकात होगी, खाना शाना हम लोग मिल के खाएँगे, फिर बच्चों को गिफ्ट हैम्पर्स और जो भी चीज़ें देंगे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों को भी जूसेस सर्व करेंगे, मेरा नेस्वीटी का नेस्वीटा, ये आप देख सकते हैं। हम सबको ये विजिट हमें करवाने लगे हैं आपने। यहाँ पे बच्चों को 6 से 8 साल तक की उम्र के दौरान जो है वो दाखिला किया जाता है, और वो अपनी इंटरमीडिएट तक उनको यहाँ पे हम रिहाइश प्रदान करेंगे। उसके बाद भी हम जब बच्चे इंटरमीडिएट डालेंगे तो उनको जो फर्दर स्टडी के गुंजाइश है वो तकरीबन 200 की है। इस वक्त करंटली हम चूँकि ऊपर वाले पोर्शन में हमारा स्कूल चल रहा था, दी पंजाब स्कूल लाहौर का बहुत बड़ा ब्रांड है जो यहाँ पे इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रदान करता है अपने दो स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब सारी उसकी मैनेजमेंट रहना स्कूल की वो भी पंजाब स्कूल है। और इस वक्त अब नई बिल्डिंग आपने भी देखी स्टार्ट होती है, स्कूल की बिल्डिंग है, अभी नेक्स्ट वीक से यहाँ पर उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो सकता है। तो इन शाला फिर हम जो हमारी जो कैपेसिटी है 200 बच्चों की, वो भी हम सेम टू ईयर्स कम्प्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ जो इस बिल्डिंग की बैक साइड पे है वो 250 कुर्सियों के लिए अदारा बनाया गया है, वो पीछे तो बच्चियों के लिए जो है वो इस बिल्डिंग के पहले पिछली साइड पे बच्चियों का अदारा कायम हो चुका है, जो कि इंशाल्लाह इसी मंथ में हम ऑपरेशन होने जा रहे हैं। हम बच्चों की जो है ये जगह हमें सारी की सारी जगह जो है यहाँ पे हमारे साथ जो है शेख मोहम्मद अफजल तकरीबन 90 प्लस हैं, वो हमारे साथ ही यहाँ पे रहे भी हैं, ये सारी जगह उन्होंने डोनेट की थी। खुद भी वो ऐसे हमें वॉल्टियर की मैथ पढ़ाया करते थे, इस एरिया के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। और अब वो अपनी जो ये वाली लाइफ है वो अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, सारे बच्चे जो हैं उनको ज़्यादा वो अपनी कॉलेज लाइफ भी वहाँ पर गुजारते हैं। ये हमारा सारा सिस्टम है जो कि हम सबसे पहले मॉनिटरिंग करते हैं और बाकी सिक्योरिटी कैमरा का सिस्टम लगा हुआ है हर रूम में, कॉरिडोर में, हर जगह पे जब यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है, तो ये मॉनिटरिंग का सिस्टम इसके साथ है। हमारा जो एज का क्राइटेरिया है ना वो 6 ईयर, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमने फीमेल भी आया हमारे पास होती है, वो छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन हमने जो क्राइटेरिया इसके रखा कि उसमें मदर केयर की थोड़ी सी कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हमारे पास वो मेल केयर टेकर जो वार्डन है वो पूरी खुद की केयर टेकर मेल है, तो हमारा स्टाफ ही मोस्टली जो है ना, क्योंकि मोस्टली स्टाफ जो है ना वो मेल,
यहाँ का किचन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ कवर है इसके। ये यहाँ पर कुकिंग हो रही है, मैं यहाँ बन रहा है। डिश वॉश कर रहे हैं। खाना क्या बना रहे हैं, खाना क्या बना रहे हैं आप? पुलाव। ये जी पुलाव बन रहा है। आपका नाम क्या? यासिन जी। ये माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार पुलाव बना रहे हैं, दिखने इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अच्छी खुशबू है। और यहाँ पर सफाई का भी बड़े बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग लेके आए थे, ये चूल्हे हैं, ये फ्रिज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बहुत वेल मैनेज तरीके से रखी हुई हैं। यहाँ का किचन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ कवर है इसके। ये यहाँ पर कुकिंग हो रही है, मैं यहाँ बन रहा है। डिश वॉश कर रहे हैं। खाना क्या बना रहे हैं, खाना क्या बना रहे हैं आप? पुलाव खा रहे हैं। पुलाव। ये जी पुलाव बन रहा है। आपका नाम क्या? यासिन जी। ये माशाल्लाह बड़ा मज़ेदार पुलाव बना रहे हैं, दिखने इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अच्छी खुशबू है। और यहाँ पर सफाई का भी बड़े बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग लेके आए थे, ये चूल्हे हैं, ये फ्रिज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बहुत वेल मैनेज तरीके से रखी हुई है। ये है जी किचन, यहाँ पर माशाल्लाह सफाई के बेहतरीन इंतज़ाम हैं, ठीक है। और सफाई के भी बेहतरीन इंतज़ाम हैं, और यहाँ पर फ्रेश मतलब कि वो खाना वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर रश है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर जाने की। ये आप देख सकते हैं खाना शाना बन रहा है, बड़ी मज़ेदार और खुशबू भी आ रही है, और खाने की और नीट एंड क्लीन भी हर चीज़ वेल मैनेज तरीके से। अच्छा, एक रूम में 8 बच्चे। ये रूम है, यहाँ पर बच्चे मतलब कि रेस्ट वगैरह करते हैं, ये आप देख सकते हैं। एक रूम में 8 बच्चे सोते हैं, ठीक है। और माशाल्लाह हर चीज़ नीट एंड क्लीन है, वो प्रॉपर हर चीज़ सेट अप रखा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं टावल है, कर्टन से लाइक हर चीज़ प्रॉपर वेल मैनेज तरीके से रखी हुई है। ये जो बच्चों के रूम वगैरह वो एंट्रेंस पॉइंट है। इसके अलावा ये एक सहन है, ये आप देख सकते हैं खोले वगैरह रखे हैं, गमले शमले। इसके अलावा ये आउटर मैन का आपको ये दिखा देती हूँ। बहुत माशाल्लाह न्यू बिल्डिंग लग रही है, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। ये डिफरेंट रूम्स हैं, रूम नंबर 7, रूम नंबर 8, रूम नंबर 3, ये लाइक नंबरिंग मेंशन है। और द फर्स्ट थिंग इज़ के हर रूम में जस्ट मेरे ख्याल से 8 बच्चे, और जो बच्चा जिस रूम में होगा और उसके वहाँ पर फ्रंट पे टेम्परेचर भी मेंशन होती है कि ये बच्चे यहाँ पर होंगे। अच्छा जी, एक और रूम में आई हूँ, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी इसको भी वेल मैनेज तरीके से रखा हुआ है। ये कबर्ड बनी हुई है कि बच्चे यहाँ पर अपने कपड़े शपड़े हैंग कर दिया करें। और ये इस एरिया के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब ये 17 एकड़ जगह है जो इन्होंने डोनेट किया है, उसमें से जो 17 एकड़, ये जो आगोश ये वाला है ये 6 एकड़ में है बच्चियों। तो अब बाकी जो था वो इन्होंने फिर यहाँ पे डोनेट कर दिया। बुनियादी तौर पे ये 2005 के जो है ना जल्जले के बाद कुछ चीज़ें सामान वगैरह देने गए थे, तो जो हमारा एमरजेंसी वहाँ पे आगोश पहला स्टैब्लिश हुआ था, तो ये उन्होंने देखा था जाकर। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो मैनेजमेंट से ये मिले हैं, और इन्होंने कहा जी मेरे पास ये जगह है और आप इस पे आके इन्होंने अदारा बनाया। तो कितने साल पहले इन्होंने ये जगह डोनेट की थी? ये तकरीबन 15 साल तो हो चुके हैं। 15 साल? तो ये 15 साल से यहीं पर रह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पास आगोश बनने के बाद आई, ये ओल्ड हाउस में थे। अच्छा। लाहौर में ओल्ड हाउस में रहते हैं। बेटे नहीं है? नहीं बेटे नहीं है, बेटी है।
बड़े डिसिप्लिन के साथ बच्चे कहीं जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे जा रहे हैं जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि उन्होंने मास्क वगैरह पहने हुए प्रॉपर मतलब कि प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं। नमाज का टाइम हो गया, ये नमाज़ पढ़ के आएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ लंच करेंगे। ठीक है, एसओपीस बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। छोटे छोटे मतलब कि आई थिंक ये 7 to 8 चेयर के हैं अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा जी, ये आगोश के नाम से है, प्रोजेक्टर फाउंडर फाउंडेशन। यहाँ हम लोग आए हुए हैं, आप सब देख सकते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, वो जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, वहाँ पर बच्चियों के लिए एक्चुअली वो बना रहे हैं। और यह बच्चे देख रहे हैं नमाज के लिए जा रहे हैं। ये बड़ा एक पता नहीं कितने मरबे का ही ये है जगह, लेकिन वन थिंग इज़ कि भी आपने एक थोड़ी सी थोड़ी नहीं काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली मुझे 70 ईयर की लगी थी एक बुज़ुर्ग, ये उन्होंने ये ज़मीन जो है ना वो डोनेट की थी। और उनकी औलाद बड़ी बदकिस्मत है, वो बता रहे थे जी कि उनकी 2 बेटियाँ थी, एक बेटी की डेथ हो गई है और एक है टीएच में रहती है, वो कभी मिलने नहीं आई। अपने वालदैन का साथ दें उनको, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं या चाहे जो भी हैं, वो आपके प्यार के आपके टाइम के बेसिकली होते हैं। मेरे साथ बच्चे भी मौजूद हैं। हेलो बेटे, क्या नाम है आपका? फिल्ट्रेशन वाटर यूज़ नहीं होता। आपका नाम क्या? साजिद। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। कब से रह रहे हो इधर? 4 साल। फैमिली के पास जाते हो? मज़ा आता है यहाँ? दोस्त बन गए? चलेंगे। बच्चे माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और उनको एक फैमिली इन्वायरमेंट भी सिखाया जा रहा है कि यहाँ पर ये खाने के मतलब कि आप टेबल कैसे अरेंज करने हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। प्रॉपर एक फैमिली सिस्टम है यहाँ पर, मतलब बच्चे आप वो देखिए लेके आ रहे हैं, चर्च छग लेके आ रहे हैं, क्लास ये भी रखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इनके साथ हम लोग खाना खाएंगे। पानी चली भर रही है तो मैंने सोचा मैं भी इनकी तरह थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। क्या नाम है आपका? अरसलान। मैं आपके साथ पानी भरूँगी, ठीक है? जग में, ठीक है। अरसलान। अरसलान क्या उम्र है आपकी? ये मैं भरूँगी, ये मैं लेकर जाऊँगी, ये मैं रखूँगी। अब मैं जी देखिए जी पानी के जग में रखी हूँ, किस टेबल पर रखूँ जी बताएँ? मैं इस बच्चे के साथ कहाँ कहाँ वो चलिए इधर। अच्छा, से इधर से चलेंगे। अच्छा चलिए अर्चना आए। कितने में हैं भाई हो आप? आगे आगे भाग के जाओगे? अच्छा लाओ, मैं जा रही हूँ बच्चे के साथ। कहाँ पे? वो लास्ट वाला सारे रख दिए। अच्छा ये देख रहे हैं बच्चे जा रहे हैं इधर इधर आए जी बैठे जरा। अर्सलान आए। कितने बहन भाई हैं आप? सात बहन भाई हो। अच्छा आप सबसे छोटे हो? नहीं, 4 साल हो गए। दोस्त बन गए? आए भाई आप इनके फ्रेंड्स हैं? वाह जी ये सारे फ्रेंड्स हैं, सब दोस्त हैं। ये भी दोस्त हैं, वो देखो आपको देख रहे हैं दूर दूर से। अच्छा डेली बेस पे आप मास्क लगा के रखते हो ना? सैनिटाइजर। खाना मज़े का होता? कितना मज़े का? घर में भी मज़े का मिलते हैं या बस इधर ही मज़े का? कितने दिन के बाद जाते हैं अपने मामा बाबा से मिलने? 2-3 में ये बात लेने आते हैं आपको। चलें जी गुड हो गया। कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको हम लोगों से मिलकर कैसा लगा? सच्ची में थैंक यू। खाने पीने में डेली बेस पे क्या क्या खाने को आपको मिलता है यहाँ पे? ब्रेड मतलब जो मेन्यू अच्छा वो अच्छा अच्छा तो जो मायरा आ गई है यहाँ पर बोलने, ठीक है। ये 3 जो बैठी हुई है, मेरी एक फैलो इनके पास है, वो कहती जी आपने किन के साथ बैठ के खाना खाना है? तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ खाना है। इसको मैं अपनी गुड लक समझूँ या मेरे दोस्त बन गए? दोस्त बन गया मेरे तीनों। अच्छा ये आप मेरे साथ खाना खाएंगे आप या आप? तीनों मेरे साथ खाएंगे इंशाल्लाह जी। हम आज एक ही टेबल पर बैठ के खाना खाएंगे। मेरे तीनों फ्रेंड हैं अरसलान, अली रज़ा, अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, अली रज़ा और अरसलान आज हम तीन
अब्दुलरहमान, सॉरी अब्दुलरहमान, हम तीनों आज बेस्ट बडीज़ जो है ना वो मिलके खाना खाएंगे और मैं इनके साथ, ये आप देख सकते हैं मतलब मैं इनके साथ टेबल पर बैठी हूँ, जैसे खाना लगेगा हमने ढाबा बोला आज ही रोटी खुल जानी, रोटी खुल जाए ठीक है, रोटी जैसे खुल जाएगी हम लोग इनके साथ खाना छाना खाएंगे, बच्चों के साथ इंजॉय करेंगे। आप लोग भी कैंडीज लेके आई हूँ, चॉकलेट्स लेके आई हूँ, बिस्किट्स लेके आई हूँ आपके लिए, जूसेज एंड देयर लॉट ऑफ थिंग, और आप लोग उनको इंजॉय करेंगे ठीक है। टेबल पर बैठ के लेकिन बच्चे अभी तक वहाँ पर आई थिंक कोई गपशप लगा रहे होंगे कि हमने किसके साथ बैठने, खाने खाने मतलब खाने का जो सेटअप है वो लगना शुरू हो गया। अब बच्चों की डिपेंड करते हैं कि वो किस किस आपी के साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन मेरे तो तीन दोस्त बहन गए ठीक है, तुम बच्चे हैं ठीक है, मैं अपनी के साथ ही खाना खाऊँगी, वो मेरी तरफ देख रही हूँ। अच्छा जी लेट्स सी कि वो कैसे बैठते हैं, आज हम खाना बिता जाएंगे। मैं बहुत हैप्पी हूँ, प्लीज़ आप अपने वालदेन का जहाँ तक वो साथ दें, लाइक चाहे वो या आप या एक्सेट्रा कुछ भी है, आप पता नहीं कि बच्चे कैसे सर्वाइव करते हैं उनके वालदेन के बगैर, तो आप आज तक नहीं रह सकते। स्पेशली मेरी मामा, स्पेशली टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके साथ मेरी कोशिश होती है कि जितना ऑफिस से हम टाइम स्पेंड करूँ, छोटे छोटे टेंशन भी कर लेते हैं, लेकिन हैंड्स ऑफ टू यू जो आबोश। ये है पुलाव है और ये है कोरमा, और वो भी सैलड वगैरह लेके आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिफिल हो जाएंगी, और वो जो चीज़ें हम लोग ले करेंगे बच्चों के साथ अभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और मेरे जो तीन दोस्त बन गए उनके साथ मैं खाने, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर टेबल पे जितने भी बच्चे बैठे हैं उनके साथ वन वन बाइट लूँ, लेकिन जो मेरे तीन स्पेसिफिक बन गए मैं उनके साथ ज़रूर आज लंच करूँगी। और माशाल्लाह वो बैठ भी रहे हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहे हैं, और जी माशाल्लाह ये खूबसूरत से बच्चे बैठना शुरू हो गए हैं, सबने मास्क वगैरह पहने हुए हैं, सब छोटे छोटे भी बच्चे हैं वो लेके आ रहे हैं, आप कुछ फाउंडेशन किया फाउंडेशन के इस बच्चे ने तो सब माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी मास्क का सबके से एक अनाउंसमेंट भी होगी जी, सब मास्क पहने तो सब मास्क बच्चे पहन रहे हैं, उनके जो टीम है वो उनको कहती है प्लीज़ मस्ट मास्क पहने। उसके बाद हम लोग ये बच्चे बैठ के उनके सेंटर में एक एक फीमेल जर्नलिस्ट भी इन शाला इन सब के साथ बैठ जाएंगे। मेरे जो दो चार तीन दोस्त हैं मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वो कॉर्नर पे बैठे हैं, मैं उनके साथ जाके बैठूंगे। बच्चे वन बाय वन अपना खाने की तरफ चल पड़े हैं, ये खाना वगैरह डाल रहे हैं, ये वन बाय वन उठेंगे, और जिस जिसको जितनी जितनी क्वान्टिटी के हिसाब से खाना लेना है वो ले लेते जाएंगे। और मौलवी साहब आई थिंक उनको प्लेट सर्व कर रहे हैं, चलें बेटा जी डालना शुरू करें खाना शाना, खाना पहले हमारे ये बच्चे खाएंगे, उसके बाद हम इनके साथ ही बाद में ज्वाइन कर लेंगे। और मैं बेसिकली बताना चाह रही हूँ कि मेरा प्लान यही था कि मैं बच्चों के साथ बैठूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने अचानक माइंड चेंज कर दिया ड्यू टू कोविड। हम लोग नहीं जानते हम लोग कोविड पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं ठीक है, हम छोटे से बच्चों की जानों के साथ क्यों खेलें, सोशल डिस्टेंस हम लोगों ने वक्त मेंटेन किया है, यहाँ के बच्चे बहुत माशाल्लाह हेल्दी हैं, इनको कुछ ना हो हम लोग ये कहते हैं ये हमारे रोशन सितारे हैं रोशन मुस्तकबिल हैं ठीक है, तो इनकी ज़िंदगी के साथ दाव पे नहीं लगाना चाहिए। और माशाल्लाह ये सब अच्छा जी ये डाल रहे हैं, इसमें मैंने डाल दिया रोटी है नहीं हाँ रोटी है सैलड हाँ ओके, ये वन बाय वन लाइन में खड़े हो गए हैं, और ये माशाल्लाह ये बच्चे खाना खा मास्क उतार लें जी, मैं हूँ मैं अब अच्छा जी मैं फरजूल फरमाइश मुझे कह रहे कि आपने हमारे साथ खाना है लाएँ जी अपनी जमाई से, ये देख सकते हैं मैं अब आप खाएं ये वाली स्पून नहीं यूज़ करनी तो ये और ले। मैंने उस बच्चे के साथ खाना का जैसे कि मैंने वादा किया हुआ था, बच्चे
खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा मज़ेदार पुलाव बना हुआ है। बच्चे ने उन्हें जल्दी भूख लगी तो बच्चों ने तो खाना स्टार्ट कर दिया। मैं उनको देख के बहुत खुश हो रही हूँ, वो बड़े वेल मैनेज्ड तरीके से खाना खा रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ तो बैठ के सिटी में खाना खाया है और पुलाव बड़ा मज़ेदार बना। चलिए बच्चों, कुछ बच्चों ने मास्क रिमूव कर दिए। अच्छा लेट्स सी, अब जैसे जैसे ये खाना खाएंगे मास्क नहीं पहनते जाएंगे। वो बच्चा भूल गया था। यूजली हम लोग भी बोल देते कि हमारे फेस पे एक मास्क भी है। अच्छा जी, ये बड़े अच्छे तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं। अच्छा वो क्यों बच्चे क्यू में लगे हुए, इन्होंने टेबल रखा है जी, पहले एक नंबर टेबल उठेगा, वो सब बच्चे क्यू में लगेंगे खाना खाएंगे, फिर सेकेंड टेबल, फिर फर्दर जो है सब बच्चे बारी बारी अपना खाना। बेस्ट बडीज है वो वहाँ पर बैठे, मैं उनकी तरफ दोबारा चलती हूँ, खाना इंजॉय कर रही हैं। अली खाना मज़े के प्लेट फिनिश हो गई है, चलो और ले आओ ना, पेट भर के खाना खाना है। ठीक है आप लोग खाना मज़े के, देखो मैंने आपके साथ खाना खाया ना अली, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैं आपको चॉकलेट्स भी दूँगी। ठीक है और आप लोग को खाना कैसे लगा, मज़े के? चलें जी खाना इंजॉय करें। वो शर्मा रहे, आप क्यों शर्मा रहे? शायद वो मुझे देख के शर्मा गया। यहाँ पर एक बच्चा बड़ा चुप करके बैठा है उसके पास। आप वेट कर रहे हैं खाने का? भूख लगी, भूख लगी, क्या हुआ? आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो परेशान क्यों हो? ये आपके दोस्त बैठे हुए, दोस्त दोस्त देखते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले बच्चे बड़े मुझे माशाल्लाह एक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो मैं अच्छा आपके पास आती हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? उमर अली। कोई नगमा आते किसी को? दिल दिल पाकिस्तान सुना दो। चलो पाकिस्तान का नारा लगा दो। पाकिस्तान हाँ, दोबारा दोबारा। अच्छा जी, कोई पोइम वगैरह आती हो किसी को? ओह उसने फेस कैसे बनाया, कैसे बेबी? डांस आते आपको? डांस आते आते? अच्छा सीट पे लुड्डी बैठे बैठे ज़रा डाल दें, उसके दोस्त कह रहे इसको लुड्डी आती है। अच्छा जी लुड्डी ज़रा डाल के दिखाएं बैठे बैठे ज़रा, इसको भंगड़ा आता है, देखो कहते बेबी थोड़ा सा। नहीं आता? अच्छा ये दोनों ही कोई मारती बेबी। आने की बात ये कि बच्चों ने खाना स्टार्ट करने से पहले पानी शानी पिए। अच्छा जी खाना मज़े के बेबी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी मुझे लगता है खाना खाते हुए बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मुझे अपनी वीडियो क्लॉज करनी चाहिए। अच्छा जी बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर हिफ्ज़ फाउंडेशन की तरफ से आके, आगोश फाउंडेशन के हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइक, हमें बहुत अच्छा शेखुपुरा का विजिट रहा, मैंने ज़िंदगी में पहली बार शेखुपुरा की किसी है और यहाँ के इंतजाम भी बहुत अच्छे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एक जिस जगह पर भी जाएंगे वहाँ का इंट्रो देंगे, आपको वहाँ के लोगों से मिलवाएंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। जी आप बड़े होके क्या बनना चाह रहे हैं? क्या? एसएसजी कमांडो। सॉरी? एसएसजी कमांडो। कमांडो बनेंगे? और आप अली? फौजी। और आपने? सबने कमांडोज बने हैं, सबने मतलब आपने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है ना, सब कमांडोज बनेंगे है ना। एयरफोर्स में भी किसी के जाने का ख्याल है या आर्मी पुलिस, पुलिस डिपार्टमेंट कैसा लगता है आपको पुलिस में जाने? वो नहीं अच्छा लगता। ओ अच्छा जी है, ये हमारे सब ये जो हमारे चमकते सितारे हैं, ठीक है ये सब आर्मी में जाना चाह रहे हैं। वैसे पुलिस क्यों नहीं पसंद है? नहीं पसंद। अच्छा जी हर बंदे की अपनी लाइक और डिसलाइक होती है, वैसे हर डिपार्टमेंट अच्छा होता है, अपनी जगह पर काम कर रहा था, लेकिन जो एक हमारी आर्मी की जो चीज़ है ठीक है वो हमारे बच्चों को भी अट्रैक्ट करती है। इंशाल्लाह ये हमारे जो चमकते सितारे हैं छोटे छोटे बच्चे, तो ये बच्चे बैठे हुए हैं जी केक काटने के लिए।
खोलें खोलें, वाओ खोलें, सब फ्रेंड्स को थोड़ी थोड़ी देनी है आपने, ठीक है।